जय श्री कृष्णा।
हेलो। वर्मा जी आवाज आई क्या? कोई रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? किसी को आवाज आ रही? क्लियर है? आ रही है सर, जय आवाज आ श्री रही कृष्णा, जय श्री है। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है वर्मा जी नहीं है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए ओ... हाँ जी, आवाज आ रही है। ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय, गोविंदाय हिताय च, ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान आदि नाथ आदि पुरुष पूर्ण पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण जी महाराज की वंदना। श्री कृष्ण जी महाराज से प्रार्थना कि हमारे आज के इस कथा में अपना आशीर्वाद सभी को प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, जो दसम अध्याय की कथा चल रही है, क्या उसी कथन के अनुसार इसका साइज है, रूप है कि हरि कथा, हरि कथा अनंता, हरि की कथा का, भगवान की कथा का, भगवान के कार्य का कोई लिमिट नहीं। इसी तरह यह भागवत जी महाराज की जो दसम अध्याय की कथा है बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत से संदेश हैं, बहुत से तथ्य हैं, बहुत सी बातें हैं। इसलिए आज हम चौथे दिन फोर्थ डे इसमें प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज इस कथा को हम कहां तक पहुंचा पाए और फिर बाकी एकादश द्वादश अध्याय और पारायण के रूप में श्री कृष्ण महाराज का अर्चन, उनको नमन, उनकी कुछ विचित्र विशिष्ट गाथाएं, इतना इसमें प्लान है कि 15 दिन से बढ़ गया है। लेकिन बढ़ने से एक बात तो समझ में आती है कि हम सबको इसकी एक आदत सी हो गई है नित्य प्रति इस प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर, और साथ ही भगवान की स्तुति गान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की भी हमारी इच्छा भी बढ़ गई है, ऐसा मेरा मानना है या ऐसा मैं फील कर पा रहा हूं। तो अब जब श्री कृष्ण जी के पास जब वो द्वारका गए, ब्राह्मण महाराज रुक्मणी जी का संदेश लेकर के आए, तब रुक्मणी के संदेश को भगवान श्री कृष्ण को बताया गया, कैसे उनको उद्धृत किया गया, सुनिए। हे कमल नयन, जिसकी आंखें कमल के जैसे सुंदर हैं, ऐसे स्वरूप को ही भगवान को बता देगा। हे कमल नयन, उमापति भगवान, जो माता के पति भगवान शंकर हैं, पार्वती के पति जो शंकर हैं, उनके अलावा इस समस्त लोकों में बड़े बड़े महापुरुष, उमापति भगवान को तो जरूरत नहीं है क्योंकि वे पूर्ण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके अलावा इस समस्त लोकों में आत्मशुद्धि के लिए समस्त महापुरुष आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं, लेकिन उमापति जो भगवान शंकर हैं, उनके लिए हम यह नहीं कहते, ब्राह्मण महाराज कहते हैं भगवान को, उनके लिए हम यह नहीं कहते वो नहीं चाहते हैं, बल्कि वह तो आपके साथ ही हैं। क्रियाएं भले ही करें, कैसे ही क्रियाएं करें, कैसे ही लीलाएं करें, लेकिन वह और आप
या दोनों भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी मूर्तियों को, सारे भगवान को, सारे शक्तियों को एक ही ब्राह्मण महाराज ने मान लिया, और बाकी उनके अलावा सब जो भी महापुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, सामान्य जन आम जन की तो बात ही क्या है। और फिर वो रुक्मणी कहती है, रुक्मणी के संदेश के रूप में ब्राह्मण महाराज बताते हैं भगवान को कि वह आपका प्रसाद, आपका आशीर्वाद, यदि आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में आपके चरणों की रज या धूल भी प्राप्त नहीं कर पाई तो यह सत्य है कि वह व्रत करके, निरंतर व्रत करके, निर्जला रह के, भूखे प्यासे रह करके अपने प्राणों को सुखा देगी, और प्राण जब अपने शरीर को सुखा देगी और प्राणों को छोड़ देगी। इसलिए इस कड़ी में आपका प्रसाद पाने के लिए, आपके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपका सानिध्य पाने के लिए, चाहे उसको रुक्मणी को हजारों जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, सैकड़ों जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, लेकिन वह तो प्रसाद लेकर ही रहेगी, क्योंकि ऐसी ऐसा मानना है कि वह आपका प्रसाद तो किसी न किसी रूप में उसको प्राप्त होगा ही। फिर इसी रुक्मणी मंगलम के कड़ी में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं, हे परीक्षित, राजकुमारी रुक्मणी के रथ पर भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुओं को देखा, और उनको देखते ही शत्रुओं के बीच से घिरे होने के बावजूद भी उस रथ से भगवान ने रुक्मणी को उठा लिया, और जो शत्रु थे, जो राजा थे, जो रुक्मणी को तंग कर रहे थे, अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, उन सारे राजाओं के सिर पर अपना पैर रख दिया, और पैर रखकर उनको, अर्थात रुक्मणी को, उस रथ पर बिठा लिया, और उस रथ पर गरुड़ का एक चिन्ह ध्वज भी लगा हुआ था, उन राजाओं को दबा दिया था, उनको दुष्ट से, दुष्ट राजाओं से मुक्ति दी। तब भगवान रुक्मणी से स्वयं बोलते हैं, हे देवी, जन्म लेना, इस संसार में जन्म लेना, इस संसार में रहना, इसमें बढ़ना, इसमें बदलाव, कोई भी घटना होना या मृत्यु होना, ये सारे विकार रूपी हैं, और ये विकार शरीर के हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं है। जन्म लेना, मृत्यु लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, इधर सारे जितने भी झंझट झमेले हैं, ये विकार के रूप में हैं, आत्मा में कुछ नहीं है। और यह तो उसी तरह है जैसे कृष्ण पक्ष की जब शुरुआत हो जाती है, आज से शुक्ल पक्ष शुरू हो गए, कल तक कृष्ण पक्ष थे, कल अमावस्या हो गई, पितृ पक्ष की अमावस्या कल हो गई, अदरवाइज भी हर महीने में 30 दिनों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों आते हैं, और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम तिथि है, 15वीं तिथि है, वह अमावस्या है, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा है। तब कहते हैं जैसे कृष्ण पक्ष में, अब आज से क्या है, शुक्ल पक्ष है, तो आज से चंद्रमा की कलाएं, एक एक कला बढ़ती जाएगी, और 15वें दिन पूर्ण चंद्र आ जाएगा, जब पूर्णिमा आ जाएगी। इसी तरह कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटती जाती है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है, या पूर्णिमा के अगले दिन कृष्ण पक्ष शुरू होता है, एक एक कला घटते जाती है, और जब अमावस्या आ जाती है तो नो मून हो जाता है, बिल्कुल चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। तो तब वो कहते हैं जो कृष्ण पक्ष की कलाओं में जो क्षय होता है, वो चंद्रमा का क्षय नहीं होता वास्तव में, रुक्मणी को समझा रहे हैं भगवान, वो वास्तव में चंद्रमा का क्षय नहीं होता। फिर क्या होता है, उस दिन अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष की कलाओं में एक एक कला का क्षय होते होते 15वें दिन अमावस्या आ जाती है, और अमावस्या के दिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में, या ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि चंद्रमा को क्षय हुआ कहते हैं, लेकिन चंद्रमा तब छुप जाते हैं,
वजह डिटेल तो ज्योतिष की गणना के बाद। इसी तरह जैसे वो छुप जाते हैं व्यवहार को चंद्रमा को, ये चंद्रमा के दर्शन नहीं कर पाते, कृष्ण पक्ष में कम होते जाते और अमावस्या के दिन बिल्कुल दर्शन नहीं हो पाते, उसी तरह जन्म मृत्यु आदि सारे जितने भी विकार हैं वो केवल शरीर के हैं, चंद्रमा के कलाओं के कम होने के बढ़ने के तरह वो विकार केवल और केवल शरीर के हैं, लेकिन लोग उसको भ्रम से अज्ञानता से आत्मा का ही मान लेते हैं, वो विकार आत्मा के नहीं है, वास्तव में वो शरीर के। फिर प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और संबासुर का वध किया गया। इस कड़ी में रति ने कहा भगवान को प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे जगन्नाथ महाराज, हे सर्वत्र व्यापी कृष्ण जी, आप स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति। तब इन दोनों का परिचय बताते हुए, जो मायावी थी रति, उनको मायावती भी कहा है रति को, उस मायावी रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या भी सिखाई। और ये महामाया नाम की विद्या ऐसी है जो सब प्रकार के मायाओं का छल कपट का नाश कर दे। फिर सद्भामा के साथ श्री कृष्ण जी महाराज का विवाह हुआ। तो उस कड़ी में जब बाहु युद्ध हो रहा था, जांबुआन उस बाहु युद्ध में जांबुआन जितने भी उत्साही थे, जितने भी उसमें शक्ति थी, उनका उत्साह उस युद्ध के पश्चात ठंडा पड़ गया, या कहा है जामवंत का उत्साह जाता रहा, चला गया, और वो जामवंत अपने शरीर से पूरे शरीर में पसीने से लथपथ हो गया, भीग गया पसीने से, पानी के रूप में पानी की तरह शरीर से उसका जो पसीना था निकलने लगा। तब उस समय वो जामवंत जो महाबली था, बहुत बलशाली था, वो विचलित हो गया, विस्मित हो गया। तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीला मैं समझ गया, मैं आपको पहचान गया, क्योंकि आप ही, आप स्वयं ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, उनके रक्षक हैं और उनको मार्ग दिखाने वाले भी हैं, उस मार्ग में प्रेरित करने वाले भी हैं और उस मार्ग से कुमार्गों से हटाने वाले हैं, या किसी को कष्ट देना है, दंड देना है, तो उस मार्ग को आप बताने वाले भी हैं, वो गलत कार्य करने के लिए भी उसमें किसी न किसी रूप में आपकी लीला ही विद्यमान है, और यह और कोई नहीं हो सकता, यह पुराण पुरुष, पूर्ण पुरुष भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान विष्णु के ही स्वरूप है, आपको नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। फिर जामुन जी कहते हैं, आप ही सबके प्राण हैं, आप ही सबकी इंद्रियां हैं, और सबके प्राण इंद्रियां, सबका बल, मनोबल, बलाबल और शरीर का बल, हर तरह के बल आप ही हैं, आप जब तक चाहे उस पर वो बल मिलेगा, जब सर्वशक्तिमान का बल इच्छा हट जाएगी, मन हट जाएगा, या विस्मृति हो जाएगी, या उसको आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर वो निष्प्राण हो जाएगा। फिर इसी कड़ी में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, हे परीक्षित जी सुनो, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण जी जो अपने पराक्रम से परिपूर्ण थे, उन्होंने उसी परिपूर्णता के साथ समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन कर दिया, और मार्जन करने का मार्ग उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी महाराज की जो अद्भुत रचना थी, अद्भुत कृपा थी, वह अत्यंत मंगलमयी थी। ऐसी रचना भगवान विष्णु ने रची श्री कृष्ण जी महाराज की, और इसलिए कहा है जो भागवत, इस भागवत कथा को जो पढ़ता है, सुनता है, या इसको याद भी कर लेता है, केवल ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः का भी जप कर लेता है, या केवल भागवत जी महाराज की जय, या भागवत जी, केवल भागवत 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 कहके भी अपने हृदय में उसको स्मरण कर लेता है, उसको उससे हर तरह की अपकीर्ति, अपयश, पाप, सारी चीजें छूट जाती हैं, इन व्यसनों से, किसी भी तरह के कुव्यसनों से,
उसको शांति मिलती है, वो बातें उससे छूट जाती हैं। ऐसी बात, ऐसे तथ्य इस भागवत जी महाराज की कथा में। फिर भौमासुर का उद्धार किया गया और भौमासुर के उद्धार के जो छोटी सी कहानी है, छोटा सा सारांश है। तब उस समय शंख चक्रधारी, जिनके हाथ में शंख भी था और चक्र भी था, धारण किए हुए था, लिए हुए थे भगवान श्री कृष्ण, उनको नमस्कार किया गया पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण महाराज को जो शंख और चक्र के रूप में समय प्रकट थे, उनको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, मैं अर्थात मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पंच तंत्र की मात्राएं लिए हुए, मुझ में जल, अग्नि, वायु, आकाश और इस तरह की पंच तंत्र की मात्राएं हैं। मेरा मन, इंद्रियां और इस मन के, इंद्रियों के, शरीर के जो अधिष्ठान देवता है, अधिष्ठाता है, उनके द्वारा दिया गया या उनके द्वारा ना कंट्रोल किया गया अनियंत्रित जो अहंकार है और महत्व है, उसकी गाथा, उसके बारे में मैं आपको कहां तक, क्या क्या बताऊं, कहां कहां तक बताऊं, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत है। यह चराचर जगत से मतलब है इस जगत में, इस विश्व में आना और जाना लगा रहता है। पूर्व में भी लगा रहा, आज भी लगा है, आने वाले समय में लगा रहेगा, क्योंकि इसलिए तो कहा है कि जो आया है सो जाएगा। स्थाई संसार में कुछ नहीं। चराचर से मतलब है कम एंड गो, आना और जाना, किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी तथ्य के लिए, और वो इंक्लूडिंग महाप्रयाण हो जाना, इस आत्मा को कहीं और भी मूव कर जाना, यह सब चराचर जगत में चलता ही रहेगा। और लेकिन फिर भी ये जो आपकी लीलाएं हैं, आपके जो कृत्य हैं, आपके द्वारा बताए मार्ग हैं, इनमें चलने पर भी मनुष्य मात्र को भ्रम होता है, फिर भी भ्रम होता है। आपके बताए मार्ग, आपके बताए कार्यों के अनुसार भी, आपके बताए सलाह के अनुसार भी, मार्ग में चलने में अलग अलग तरह का जो भ्रम उसको होता है, वह पृथक पृथक सा प्रतीत होता है। हर मार्ग अलग अलग सा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपका मार्ग, आपकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वह तो केवल एक ही। तब उसके बाद श्री कृष्ण महाराज और रुक्मिणी का संवाद हुआ, तो उस संवाद की जो तथ्य हैं, कुछ बातें उसके लिए कथा में बताया है कि इस जगत के जीवों के लिए जिस चीज की कामना होती है, हो सकती है, जरूरत है, उनमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, यह भी सम्मिलित है। बाकी बातों के अलावा, बाकी तथ्यों के अलावा, ज्योतिष में धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, इनकी गणना की जाती है, इनकी व्याख्या की जाती है। और जब प्रिडिक्शन हम करते हैं, उसका फलित जब करते हैं, इन त्रिकोणों से मतलब है तीन भाव धर्म के, तीन अर्थ के, तीन काम के, तीन मोक्ष के, इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो किसी भी जातक जातिका के बारे में जो प्रिडिक्शन लेते हैं, उसमें चार चांद लग जाते हैं, थोड़ा सा गुड़ उसमें बढ़ जाता है, मिठास बढ़ जाती है। कहने का मतलब है इनके बारे में स्पष्ट विवेचन करते हुए और जो हमारी परिपक्वता उस फलित करने में आ जाती है। उसी तरह रुक्मणी का संवाद जो भगवान से कृष्ण हुआ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताई गई। तब रुक्मणी कहती है, प्रभु, आप तो इन चारों चीजों में, चारों तथ्यों में आप स्वयं प्रकट हैं, स्वयं वहां पर उपलब्ध हैं, क्योंकि आप ही हर तरह की वृत्तियों, प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और सभी साध्यों के फलस्वरूप हैं। अर्थात जो कुछ किया कराया है, हो रहा है, होगा, वो आपने का ही आशीर्वाद है, आपका ही उसमें प्रेरणा है। और उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, वो सिद्धि और साध्य के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं, इसलिए आपको नतमस्तक होते हैं, आपको नमन है। फिर रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु, जो विचारशील पुरुष हैं, जो थॉटफुल हैं, जो मनन करते हैं, अर्थात जो विद्वान हैं, चित्त लगाते हैं आप पर या अन्य कार्यों पर, वह सब कुछ छोड़कर भी, सब कुछ त्याग करके भी
आपके शरणागत हो जाते हैं, या और कोई अन्य काम कर रहे होते हैं वो आपको निमित्त मानकर आपको याद करके उसी में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते। और हे भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुष जो आत्मसात होके आपको निमित्त मानकर साक्षात मानकर आप प्रसन्न करते हैं या कार्य करते हैं या आपकी आराधना करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं, ऐसे जो निष्ठावान इंसान हैं, उन सबको आप अपनी सानिध्यता दो, उनसे घनिष्ठता बनाए रखो, उनको दूर ना रखो। और कुछ लोग बिना वजह ही मुझसे भी प्रेम करते, रुक्मणी कहती है मुझसे भी कुछ लोग प्रेम कर लेते हैं वो, लेकिन वो ऐसे जातक जातकों पर भी, ऐसे इंसानों पर भी आप अपनी दया दृष्टि अवश्य बनाए रखो। फिर भगवान की संतति का वर्णन है और अनिरुद्ध रोचना विवाह का इच्छुक की कथा है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी या सारे देवी देवताएं भी, 33 कोटि जो देवी देवता हैं, जो हिंदू सभ्यता में जिनकी व्याख्या है, जिनकी मान्यता है, या जिनको हम विभिन्न रूपों में जिनका पूजन अर्चन करते हैं। आज से मित्रों शुरुआत हमने नहीं की, परम आदरणीय घनश्याम जी साहब ने मैसेज दे दिया, सबको शुभकामनाएं दे दी नवरात्रि की। अब ये 9 दिन क्या है, 9 सिद्धियां हैं, 9 माताएं हैं, 9 देवियां हैं, इनका विशिष्ट दिन रखा है। पहले दिन से 9 दिन तक प्रथमम शैलपुत्री, आज शैलपुत्री की पूजा हो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा हो, तीसरा पूरे 9 देवियों की पूजा है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि यह नवरात्रियां शुरू हो गई, साल में 2 नवरात्रियां तो हम हर कोई जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और बासंतिक नवरात्रि। तो केवल इन्हीं दिनों में हम पूजन करें या केवल आज प्रथम दिन, द्वितीय दिन जो फिक्स कर दिया है जिस माता के लिए, आज के इस भौतिकवादी युग में टीवी में, अखबार में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे एक एक दिन सब श्लोक लिख देना आराधना करना ठीक है, तो इसका मतलब कतई नहीं है आज हमने एक माता के रूप में एक देवी की आराधना कर ली, कल को हम उसको भूल जाएं, कल को ना करें, नहीं मिलती, या 9 ही दिन करें, बाकी दिन जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 9 दिन शारदीय नवरात्र में, 9 दिन वासंतिक नवरात्र में, 2 दिन पूजा करें फिर भूल जाएं, नहीं। उसका संदेश यह है कि या चाहे हम मांगने की भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं, तो जितने मैक्सिमम रूप हैं उनको, या तो क्योंकि हम पारिवारिक लोग, हमको एक से अधिक रूपों की व्याख्या, स्तुति, मनन, अर्चन, अर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि एक रूप को करने के लिए, जो एक ही रूप यदि हम मानते हैं वह कार्य सन्यासी का है। सन्यासी के पास अधिक सिद्धि, अधिक आशीर्वाद परमपिता का है, वो एक ही रूप, एक ही स्वरूप को मानता है, चाहे वो शिव को माने, देवी को माने, राम को माने, कृष्ण को माने। हम पारिवारिक लोग जो हैं, या जो भागवत कथा है हमारे आपके लिए है, और जो एक से अधिक रूपों की व्याख्या भी, उनको नमन भी, उनका पूजन भी, यह हमारे लिए है। तो इसको नित्य प्रतिरूप से नवरात्र शुरू है, आज से हम शुरू करें, और उनके गुणों को, कृष्ण अवतार भी, रामा अवतार भी, बाकी 12 अवतार भगवान विष्णु के जो हैं, उनको भी यथासंभव हम सोचने बोलते रहें, करते रहें। और ये भागवत जी कथा की भी जो 10वां अध्याय चल रहा है, 10वां स्कंद चल रहा है, इसमें से जितना हम ले पाए, बाकी जो 9 अध्याय हो चुके उनके भी 11वां 12वां अध्याय भी, जब कथा कल परसों आने वाले समय में करेंगे, उनके लिए भी जितना संभव हो, क्योंकि इस कलयुग में संभव होना जरूरी, जिस तरह से संभव हो उसको हम अपनाने की कोशिश करें। तो यह नवरात्रियों का दिन आज से और अधिक सुखकारी, मंगलकारी हो, इस कड़ी में हम चले हम इस कथा गान को आगे करते हैं। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि जो बड़े बड़े देवी देवता भी है, भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनके प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते, या पूर्णता से नहीं जानते, या उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या रचना ही भगवान की कुछ ऐसी है
क्योंकि भगवान भी ना जाने, देवी देवता भी ना जाने, ऐसा तो संभव नहीं है। या वो रचना ही ऐसी है ताकि इंसान भी उस रचना को, उस क्रिया को, उस क्रियाकलापों को जान पाए, समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और उससे कुछ संदेश सीख पाए, उससे प्रेरणा लेके अपने आप को भी आत्मसात करे और आगे बढ़े। और फिर उन्हीं रमा रमण, देखो क्या है, मैं उनको बातें बता दी, कैसे उनको टाइटल दी गई, रमा रमण, जो रम चुके हैं, जिन पर लोग रम जाते हैं, अर्थात जो उन पर समर्पित हैं भगवान श्री कृष्ण को, तमाम स्त्रियों ने गोपियों के अलावा भी अपने पति के रूप में मान लिया था और पति के आशीर्वाद के रूप में उनसे प्रार्थना भी की, पति के रूप में आशीर्वाद देने के उनसे प्रार्थना भी की थी और उनको पति के रूप में आशीर्वाद भी बाकी समस्त जो स्त्रियां थी, जो गोपियां थी, उनको मिला। फिर उसके बाद नित्य प्रतिरूप से निरंतरता के साथ उन सभी स्त्रियों में प्रेम की अभिवृद्धि या वृद्धि होती जा रही थी और प्रेम भरे मधुर चितवन से, चित को, हृदय को प्रेम से मधुरता लिए ध्यान लगाते हुए, ध्यान युक्त मंद मंद मुस्कान के साथ, नव समागम, बार बार मिलने की इच्छा के साथ, एक से अधिक बार मिलने की इच्छा के साथ, या लगातार मिलने के साथ, या सदा मिलने की इच्छा के साथ, वो स्त्रियां, वो गोपियां उनकी सेवा करती रहती। फिर उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ और उसमें वाणासुर, भगवान वाणासुर ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण जी को उद्बोधित करते हुए वाणासुर ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप इस समस्त जगत के गुरु और ईश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अभी तक जिन भी लोगों के या जिसके भी मनोरथ, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप ही कल्प वृक्ष के रूप में स्वयं विराजमान हैं, इसलिए आप सभी के लिए ऐसी अपनी दया दृष्टि बनाए, सबको अपना आशीर्वाद दें। फिर उषा अनिरुद्ध मिलन की कड़ी में ज्वर, जो ताप था, जिसको उर्दू का शब्द बुखार है, उसने ज्वर ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, नमन करते हुए कहा, हे भगवान, काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म अनुभूति, शरीर, जितने सूत्र हैं उनके मूल या सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, 11 इंद्रियां और पंचभूत, जल थल नभ अरु गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा, यह पंचभूत, इन सब का जो कंट्रोल है संघात करने के लिए या इनको एंजॉय करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, इनको संभाल के रखने के लिए, इनको इंटेक्ट रखने के लिए या इनको खराब कर देने के लिए या इनको मूल से ही समाप्त करने के लिए, शरीर में जो आगे की सृष्टि बनाने के लिए जो क्रियाएं हैं मनुष्य के पास, स्त्री पुरुषों के पास, बीजारोपण करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, वह भी आपने ही कर्म और कर्म के अनुसार ही बनाए हैं और उसी कर्म से, उसी कर्म करने के लिए, उसी कर्म के माध्यम से बीजारोपण करने के लिए आपने पुरुषों और स्त्रियों को इस तरह से बनाया है कि बाकी और किसी शरीर की और किसी जातक जाति का की भी उत्पत्ति हो सके और यह माया के निषेध की परम अवधि है, क्योंकि माया मोह से छूट जाता है उस समय जब संतान की उत्पत्ति हो गई, तो माया के अलावा आपका ध्यान उधर चला जाता है। इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी शरणागति हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उषा और अनिरुद्ध का जब मिलन हुआ, उस समय भगवान उनको संबोधित करते हुए, उद्बोधित करते हुए कहते हैं, हे त्रिशिरा, मैं आपसे प्रसन्न, अब आप तुम मेरे ज्वर से
ज्वर का मतलब से कुछ ऐसी क्रियाएं भगवान करते हैं जब भी बुखार है या और कोई भी व्याधि है व्यथा है, वो कोई भगवान की ही कृपा है, उनके द्वारा किया गया है कुछ ऐसा कार्य, तब वो कहते हैं अब तुम इस समय के बाद मेरे ज्वर से, ज्वर मेरे ज्वर से मतलब किसी भी तरह के कष्ट से निर्भय हो जाओ, आपको अब कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि संसार में जो भी आपका और मेरे संवाद का स्मरण करेगा, याद रखेगा, उसको कभी कोई भय नहीं होगा। यह संदेश उस अनिरुद्ध के मिलन में भगवान ने सीधा उषा को बताया। फिर इसी कड़ी में राजा नृग कहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज, मैं अब देवलोक में जा रहा हूँ, देवलोक में जाना चाहता हूँ, आप मुझे कृपया ऐसा करने की, देवलोक में प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। इसलिए हम भी देखो मॉर्निंग में शुरू करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो कथा है, कथा वाचन है, श्रवण है, इसमें आप सफलता दें, आपकी आज्ञा से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। निमित्त मात्र भी अगर हम कोई कार्य से शुरू करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद उनको जरूर मिलता है। तब वो कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए, राजा नृग कहते हैं भगवान से, और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। फिर नृग कहते हैं राजा नृग, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि चाहे मैं कहीं भी क्यों ना रहूं, किसी रूप स्वरूप में कहीं क्यों ना रहूं, कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा चित्त मन मस्तक सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। फिर उसी कड़ी में यमुना जी बलराम से प्रार्थना करने लगी, ये भगवान आप तो परम ऐश्वर्यशाली, आपके वास्तविक स्वरूप को न जान पाने के कारण मुझको यह अपराध हुआ है, मुझसे कुछ अपराध हुआ है, इसलिए मुझे आपने दूर कर दिया, मुझे छोड़ दिया, असहाय बना के छोड़ दिया, असहाय ही रहने के लिए छोड़ दिया। इसलिए हे सर्वस्वरूप, मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर आप कृपा करते हैं, भक्तों को आप आशीर्वाद रूप देते हैं, आपसे प्रार्थना है कि मुझे मेरी भूल चूक क्षमा कर दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण को कहने के लिए उन्होंने बलराम जी के माध्यम से प्रार्थना की और साथ में यह भी कह दिया कि मुझे अब मुक्त कर, मेरा भी अब इस जो मेरे को परेशानियां थी, दिक्कतें थी, जो मेरे से अपराध हुआ है, उस अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज आगे परीक्षित जी को बताते हैं, हे परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का, भगवान को पौंड्रक भी कहा गया है, भगवान के रूप का चाहे वो किसी भी भाव से, पौंड्रक जो थे भगवान के किसी भी रूप का, हर रूप का, विभिन्न रूपों का चिंतन करता रहता। अभी हमने बात की देवी के रूप में, माँ के रूप में, पार्वती के रूप में, देवताओं के रूप में, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, जिस भी रूप में भगवान श्री कृष्ण राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में चितवन करें, स्मरण करें, करते रहना चाहिए। तो पौंड्रक भी भगवान के रूप का, अनेकों रूपों का सोचता रहता था, उनको नमन करता। केवल सोचते रहने से, चिंतन करने से, मनन करने से या नमन करने मात्र से ही उस पौंड्रक के सारे कष्ट दूर हो गए, सारे कष्ट कट गए। और यह कटने के बाद पौंड्रक में एक काम उसने और कर दिया कि भगवान का दिखावा, बनावटी रूप वो धारण करता था और इस तरह धारण करने से उसको बारंबार भगवान का स्मरण होता और उसी भगवान के रूप को धारण करने की वजह से, उसका स्मरण करने की वजह से, किसी गलत कार्य के लिए नहीं, स्वरूप को धारण करता था, वो कायिक मानसिक वाचिक हर तरह से रूप भगवान के रूप को धारण करता था, उसको भगवान का ही स्वरूप भी प्राप्त हुआ। फिर सुखदेव जी आगे बताते हैं, ये परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में जलकुंभी डोंगी डगमगाने लगती है, जलकुंभी ऐसे जल में ही रहती है, उसको नुकसान नहीं होता, फिर भी आंधी तूफान आने पर वो हिलती डुलती है, ऊपर नीचे घूमती है, या नाव भी घूमते रहती है, जहाज भी उसमें डगमगाता है, वैसे ही जब कोई बिजली गिरती, भगवान की ऐसी लीला हो जाती है,
जोर से कोई आवाज आ जाती है, नाद हो जाता है, तब बड़े से बड़े वृक्ष भी टूट जाते या हिल जाते हैं, या जब भूकंप आ जाता है तो धरती में जिस एरिया में आया है वहां बहुत सारा नुकसान भी कभी होता है, बड़े बड़े पर्वत भी हिल जाते, बड़े बड़े विशालकाय और भवन भी या और चोटियां भी उनमें कभी कभी क्षति हो जाती है, वो भी क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। और यह सारी इन बातों को जानने के लिए, तथ्य को जानने के लिए बलराम जैसे महान गुरु की यदि कृपा हो जाए तो सारा विविध या जिसको संशय कहते हैं, डाउट कहते हैं, वह भी मिट जाता है, दूर हो जाता है। फिर जब हस्तिनापुर में हलचल हुई या हस्तिनापुर हिलने लगा, तब कौरवों के द्वारा भगवान राम बलराम जी की स्तुतिगान की गई। तब कौरव बलराम जी को गुरु मानते थे, जो गुरु थे कौरवों के, उनको कहते हे अनंत देव, आपने सहस्त्र सहस्त्र बार अपने स्वरूप से खेल खेल में भी इस भूमंडल को बनाए रखा, अलग अलग स्वरूप इसमें दे दिए, क्योंकि आपके स्वयं के अनेकों सिर हैं, अनेकों सिर का मीन्स हर जगह आप विद्यमान हैं और वही आप रचना भी रचते हैं। उन्होंने बलराम जी को कहा, बलराम जी को ये बात बताई तो बलराम जी का संदेश बताने का था कि भगवान श्री कृष्ण को संदेश आप दें, वो जो सहस्त्र सिर थे, सहस्त्र मूर्तियां थी, सहस्त्र स्वरूप थे, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए थे, लेकिन बलराम जी के माध्यम से उन्होंने और उन्होंने उनको भेजने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये बात बताई। और कहते हैं हर तरफ सबके ऊपर आपका आशीर्वाद रहता है, और आपके सिर दूसरों के सिर पर आपका हाथ को रहता ही। और जब इस धरती का, इस पृथ्वी का प्रलय का समय आता है, तब भी उस समय भी आप पूरे सर जगत को, विश्व को अपने भीतर समा लेते हैं, लीन कर लेते हैं, और जैसा आप चाहे वैसा ही विचरण करते हैं। और उस समय केवल और केवल आप ही बचे रहते हैं, कि आप ही बचे रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो रूप है अद्वितीय है, और आप अद्वितीय रूप से क्षीर सागर में भी सहन कर जाते हैं। इसलिए हम कौरव भी सब भी भगवान आपके शरण में, हमको क्षमा कीजिए, और लक्ष्मण जी के साथ सांब को भी दीजिए। भगवान बलराम जी के माध्यम से कौरवों ने ऐसा संदेश, ऐसा स्तुतिगान श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए प्रार्थना की। फिर देव ऋषि नारद जी के द्वारा भगवान की ग्रहचर्या, दैनिक चर्या का निरूपण, तब देवर्षि नारद जी कहते हैं हे भगवान, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे भी, मुझको भी आपके चरणों के, चरण कमलों के दर्शन। फिर नारद जी कहते हैं कि आपके ये चरण कमल जो हैं संपूर्ण जगत में पूर्णता के साथ विद्यमान हैं, और यह सभी को जो आपकी स्तुति करता है, गान करता है, ध्यान करता है, उनको परम मोक्ष देने में समर्थ हैं। मित्रों, जब भी मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कर रहा था, जो जिसको भी देने वाले भगवान ही है, या उसमें भी उनका रूप अंश समाया हुआ है, तो मोक्ष देने से मतलब, या परम मोक्ष देने से मतलब इस शरीर को छोड़ देना ही नहीं है, मोक्ष से मतलब है परम संतुष्टि हो जाना, सभी चीजों की प्राप्ति हो जाना, या बहुत ज्यादा अन्यथा पजेसिवनेस ना होना, सब कुछ मैं ही ले लूं, सब मैं ही प्राप्त कर लूं, इससे विरक्ति हो जाना, उसको भी मोक्ष ही कहा जाता है। तो जिस फिर कहते हैं आगे नारद जी कहते हैं, जिसके ज्ञान की, ज्ञान की, विद्या की, बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वे ब्रह्मा जी का, शंकर का सदा ध्यान कर, वास्तव में वे ही अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी इस संसार रूपी कुएं में मेढक की तरह जो विचरण कर रहे हैं, जीव जंतु इंसान मनुष्य जो भी हैं विचरण करते हैं, उससे इस मंडूक से निकलने के लिए, इस कुएं से निकलने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए आप केवल भगवान
श्री कृष्ण महाराज ही इसके लिए कॉम्पिटेंट, और आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों की स्मृति भी बनी रहे और मैं नारद भी जहां भी रहूं आपके ध्यान में रहूं, और ऐसे आशीर्वाद आप मानव मात्र को भी दीजिए। फिर जरासंध के कैदी जो कैदी और राजाओं के दूत जो थे उनका मिलन, उनका भगवान जी के पास आना, भगवान से साक्षात्कार होना, तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी सब रानियों से अलग विदा होकर उनसे विदाई लेकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश किए गए, और वहां जाकर जो श्रेष्ठ सिंहासन था, जो उच्च सिंहासन उनके लिए बना था, उस पर विराज गए। और वो विराजने के समय जब उसमें बैठ गए तब उनके जो अंगों जो जो चमक निकल रही थी, अंग कांति जो थी, उस अंग कांति से उनकी चमक से सारी दिशाएं दसों दिशाएं प्रकाशित होती रहे। और उस समय यदुवंश के जो वीर थे उन सब वीरों में यदुवंश शिरोमणि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं है यदुवंश शिरोमणि, उनके ऐसी शोभा दिखती थी जैसे पूरा आकाश, पूरे आकाश में चंद्रदेव महाराज छोटे छोटे असंख्य तारों से घिरे हुए हैं, बहुत ही एक मनोहारी दृश्य था। फिर श्री कृष्ण जी महाराज की नित्याचारी और उनके पास जरासंध की कैदियों के जो दूध की जो कड़ी थी उसमें नारद जी कहते हैं भगवान आप अपनी माया से इस जगत की रचना और संहार करते हैं, और उसी माया के असत्य हो जाने पर वो माया जब गलत साबित हो जाती है तब वह भी सत्य के समान प्रतीत होता है, क्योंकि ये माया जाल भी आपका ही है। आप कब क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, या तो आपके अलावा और कोई नहीं जानता या आप ही जानते, क्योंकि आपका स्वरूप सदैव है, सर्वथा है और चिंत नहीं है। उसके बारे में मनुष्य मात्र कहां विचार कर सकता है, किस लिमिट तक, कहां तक आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं तो आपको केवल और केवल बारंबार प्रणाम ही करता हूं, बारंबार प्रणाम ही करता हूं। फिर भगवान की पूजा और शिशुपाल का उद्धार की कथा है। इस सभा में भक्त अच्छल जितने भी भगवान को जो प्रार्थना करते हैं उन सब में यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल के रूप में जिनका नाम लिया जाता है, जो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, भक्तों को आशीर्वाद देने वाले हैं, भक्तों के नजदीक रहने वाले हैं, और श्री कृष्ण महाराज, उन श्री कृष्ण महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे पहले नमन उनको किया जाता है, पूजन अर्चन उनको किया जाता है, अग्र पूजा उनकी की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अद्वितीय ब्रह्म के रस स्वरूप हैं जिसमें सजातीय विजातीय और अपने स्वगत और दूसरे का कोई भी ऐसी भेदभाव नाम मात्र का भी नहीं है, सर्वत्र व्यापी हैं, सबके साथ हैं, सबको एक ही बात से, एक ही चीज से, एक ही तथ्य से वह आशीर्वाद देते रहते हैं। और यह संपूर्ण जगत उन्हीं भगवान का स्वरूप है, वे अपने में ही स्थित रहते हैं और अपने में स्थित तो रहते हैं, दूसरों को आशीर्वाद भी देते हैं, और उनके या अपने अस्तित्व से ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जन्म की वृद्धि करते हैं और उसका क्षय भी कराते हैं, और समस्त भाव विकार उनमें कहीं नहीं, भावों और विकारों से भी दूर करते, और वही अपने संकल्प से, अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की पालन कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उस जगत का संहार भी करते। फिर सालो उद्धार की कथा है। शुक्रदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके आत्मविद्या को भली भांति संपादित कर पाते हैं और उसका आशीर्वाद लेके उस आत्मविद्या के चिंतन में, प्रयोग में, मनन में, पठन पाठन में, या उसको
आगे बढ़ाने में भी उनको सहायता मिलती है। उनका आत्मबुद्धि स्वरूप अनादि असंख्य जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए, आत्म संबंधी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूरी है। ये उन संतों के भी, जो संत ऐसा करते हैं उनको लिए भी परम गति देने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान का मोह कैसे छूटे, भगवान का स्तुतिगान कैसे छूटे, या उनको भगवान के प्रति श्रद्धा न हो ऐसा कैसे हो सकता। फिर विदुर जी का उद्धार और यात्रा में बलराम जी और ऋषियों का समागम हुआ मिलन। तब बलराम जी कहते हैं ऋषियों, वेदों का क्या, भगवान जी ऋषियों को उद्धृत करते हुए कहते हैं जो स्वयं गुरु थे, कि वेदों में ऐसी ऋचाएं हैं, ऐसा कहना है, ऐसा वेदों का जो ज्ञान है कहता है कि आत्मा के पुत्र के, आत्मा जो है पुत्र के रूप में है, इसलिए पुत्र, उनका पुत्र, भगवान का पुत्र खुद होकर जो पुराणों की कथा सुनाएगा। कथा सुनाने का काम तो रोम हर्षण के रूप में था, लेकिन जब आत्मा ही पुत्र के रूप में आप मानते हैं तब वेदों की कथा भी वह उसी के द्वारा आपको मिलती है, वो इसी स्वरूप में मिलती है। इसलिए मैं उस पुत्र को अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय जीत, विद्या बुद्धि और बल सबको दे देता। फिर सुखदेव जी बताते हैं, हे परीक्षित, बलाबल के वध करने पर भी, जो ताकत है, एनर्जी है, उसको समाप्त करने पर भी नैमिषारण्य में भगवान की मुनियों ने आराधना की, बलराम जी की भी स्तुति गान किया, उनका भी पूजन किया, और मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा उस नैमिषारण्य में बलराम जी को आशीर्वाद भी दिया गया कि कोई भी वो आशीर्वाद ऐसा दिया गया जो कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, और उनको भगवान के समकक्ष स्थान प्राप्त करने के लिए उनको आशीर्वाद मिले, उनको ऐसा मौका मिले, उनका भी नाम भगवान के साथ ही दिया जाए, या करके इस तरह से अभिनंदन करके बलराम जी का भी अभिषेक उन ऋषियों मुनियों के द्वारा किया गया। फिर सुदामा जी को भी कुछ ऐश्वर्य रूपी प्राप्ति हुई। सुखदेव जी बताते हैं श्री कृष्ण के जो प्यारे सखा थे, प्रियतम मित्र थे, ब्राह्मण के रूप में उन्होंने देखा, कौन थे सुदामा जी, उन्होंने देखा भगवान तो अजीत हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता, किसी के अधीन भी नहीं रह सकते, और फिर भी वह अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित भी हो जाते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। तब सुदामा जी भी भगवान के ध्यान में तन्मय हुए, वहीं लीन हो गए। तब जब ध्यान में मगन थे, उसी ध्यान के आवेग से, ध्यान में पूर्ण समर्पण भाव से जब सुदामा जी थे, उसी ध्यान की वजह से उनको जो सुदामा में अविद्या थी, जो कमी थी, जो मूर्खता थी, उसकी गांठ भी कट गई, और उन्हें थोड़े ही देर में, क्षण भर के बाद ही, ध्यान लगने के बाद ही उन्होंने भगवान का स्मरण, भगवान के जो धाम है, परम धाम है, उन सबका दर्शन उनको मिल गया, और उन्होंने तब सुदामा जी को भी संतों के रूप में एकमात्र आश्रय या परमात्मा, परमपिता भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद के रूप में उन्होंने जाना कि भगवान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। फिर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान पर्व में भारत वर्ष के समस्त प्रांतों की प्रजा का मिलन हुआ, कुछ उनके अपने थे, कुछ नए थे, पराए थे। इस कड़ी में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं आपको बता चुका हूं, कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रीतम श्री कृष्ण जी सर्वस्व थे, सर्वत्र थे, और उनके दर्शन मात्र से ही गोपियों के नेत्र, उनके नेत्र या नेत्रों की पलकें गिर जाती थी, पूरे नेत्र बंद करके उस तरह से
पूरे आनंदमय होकर के उन्हीं का ध्यान रखते थे, ध्यान रखते थे। और जब उस कुरुक्षेत्र पर सूर्य ग्रहण के समय गोपियों को बहुत दिनों के बाद प्रेम रूपी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के स्वयं दर्शन हुए, तब उन गोपियों के मन में कितनी लालसा थी, कितनी इच्छा थी उन परम पिता को, भगवान को प्राप्त करने की, देखने की, उनका इसका कोई अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। क्योंकि उनके नेत्रों से अर्थात गोपियों के नेत्रों से अपने प्रीतम को, प्रीतम श्री कृष्ण जी को पाकर हृदय में उनको स्थापित करके उन समस्त गोपियों ने उनका आलिंगन किया और मन ही मन उस आलिंगन को करते हुए वो फिर तन्मय हो गई, उसी में समर्पित हो। तब सुखदेव भी कहते हैं, हे परीक्षित, मैं कहाँ तक बताऊं उस गाथा को, इसका गान कहाँ तक कहूं, क्योंकि वह तो गोपियां तो भगवान को स्वयं उसी भाव में प्राप्त हो गई, भगवान को समर्पित, जो निरंतर अभ्यास करने के बाद भी वो गोपियां सर से भगवान को प्राप्त हो गए, जो निरंतर कठिन प्रयास के बाद भी, कठिन अभ्यास के बाद भी योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, वो एक ही क्षण में उस समय जब वहां सूर्य ग्रहण का समय था, बहुत से लोग मिले थे, अपने पर आए, भगवान के पास चले गए, भगवान को समर्पित हो गए। फिर भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत हुई, तब या राजा युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, बड़े बड़े महापुरुष भी मन ही मन क्यों ना हो आपके चरण बिंदों का, चरणार बिंदों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस मकरंद का ध्यान करते रहते हैं, उसका पान करते रहते हैं। और कभी कभी उनके मुख से, पुरुषों के मुख से, इंसानों के मुख से आपकी लीला के रूप में, कथा के रूप में वह रस भी छलक जाता है, आपका स्तुतिगान भी हो जाता है। हे प्रभु, आपका स्वरूप इतना दिव्य है, इतना अद्भुत है कि कोई भी प्राणी उस स्वरूप के दर्शन कर ले, उसको पाले, वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाएगा, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जो विस्मृत करने वाली अविद्या है, जो घबराहट वाली अविद्या है, वह दूर हो जाएगी, वह नष्ट हो जाएगी, और उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों कानों में भर लेता है, भर करके जो जीता है, उसको अमंगल की आशंका कैसे हो सकती, उसको अमंगल हो ही नहीं सकता। तब वेदों की स्तुति का कथन है, श्रुतियां कहती हैं, श्रुतियों के द्वारा बताया जाता है, जो बात सुनी गई है उसके द्वारा बताया जाता है कि अजीत आप ही सर्वश्रेष्ठ, अजीत भगवान को भी संबोधित करते हुए कहा गया कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आप ही जय हो, आप ही विजय हो, प्रभु आपकी स्वभाव से ही, आपकी प्रेरणा से ही, आपके आशीर्वाद से ही सारे समस्त जगत पूर्ण है, और ऐश्वर्यों की परिपूर्णता, ऐश्वर्यों का आप बांटते भी हो, आशीर्वाद के रूप में भी देते हो, इसलिए बारंबार या बराबर रूप से किसी भी तरह, बारंबार हो या बराबर हो, किसी प्राणियों को जो अट्रैक्ट कर लेती है मोह माया, जो फंसा लेती है, उसका आप नाश कर दीजिए, उस मोह माया को दूर कर दीजिए, उससे इंसानों को, प्राणियों को मुक्ति दे दीजिए। वेदों की स्तुति है, वेदों बताया गया छुट्टियों के द्वारा। फिर छुट्टियों में बताया है, हे प्रभु, आप इस गुणमयी माया के द्वारा या इस गुणमयी माया को दोष के लिए, माया के दोष के लिए जीवों के आनंदमयी स्वरूप का सहजता से आच्छादन करने के लिए आपने ही इन गुणों को ग्रहण किया है। अब इन गुणों को, जो मायावी गुण है, उसको छोड़ के अपने सरल सहज स्वरूप के रूप में ही सबको आशीर्वाद, क्योंकि जगत में जितनी भी साधनाएं हैं, ज्ञान की क्रियाएं हैं, विद्याएं हैं, आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले, उठाने वाले, फैलाने वाले केवल और केवल आप ही, क्योंकि आपके बिना ना तो यह मिट सकती, ना चल सकती, ना बन सकती, ना विद्यमान रह सकती। इसलिए हम स्वरूप से आपका वर्णन तो नहीं कर सकते, आपका वर्णन, विस्तृत वर्णन कर पाना तो असंभव है, लेकिन जब कभी आप माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि को समर्पित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और जो निषेध की चीजें हैं,
जो अकर्म है उनको आप न करने के लिए, उससे दूर होने के लिए सच्चिदानंद के रूप में अपने विग्रह को स्थापित करते हैं और क्रियाएं भी करते हैं, क्रीड़ा भी करते हैं, तभी उसी समय ही आपका जो वर्णन है हम कुछ कर पाते हैं। विस्तृत वर्णन करने के लिए तो हम समर्थ नहीं। तब शिव जी की दयालुता आई, भगवान शिव को उसमें दया आई, और दया की कथा करते हुए, कहानी या संकल्प बताते हुए, सारांश बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे इस जगत में, विश्व में कोई दुख के वश परेशान होकर, निराश होकर आत्महत्या करने के लिए चला जाता, और हम इंसान करुणा के द्वारा, डर के द्वारा उसको बचाने की इच्छा करते हैं या कभी बचा भी लेते हैं, उसी तरह भगवान शंकर स्वयं भी प्रकाशसुर, भगवान शंकर ने स्वयं भी प्रकाशसुर के आत्मघात या आत्महत्या करने से पहले अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट हो गए, आत्महत्या करने के गए थे, वो स्वयं अग्निदेव के समान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और दोनों हाथों से उसका पकड़ लिया, और उसके दोनों हाथ प्रकाशसुर के पकड़ लिए और उसका गला काटने से उसको रोक दिया, और भगवान शंकर के स्पर्श होते ही उस प्रकाशसुर के सारे अंग जो कट भी चुके थे, जिन्हों काट भी रहे थे, जो कहते पूर्ण हो गए, ऐसे शिव जी की दयालुता। उसी दयालुता में सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदि ऋषि, सौनक आदि ऋषि को भी कहते थे, जब हम सारा शुरू करते तब शुरुआत में सौनक आदि ऋषि का नाम आया था, आज फिर उनका नाम है, दशम स्कंद की जो कथा समाप्ति की तरफ है उसमें फिर सौनक ऋषि का, सौनक आदि ऋषि आदियों का नाम आया, उनको नमन करते हुए भगवान पुरुषोत्तम पुरुष की जो कीर्तियां हैं, उसकी कथा है, उसका स्मरण करने से, सुनने से, मनन करने से संसार के जीवन मृत्यु का भय दूर हो जाता है, और भगवान के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा से सबका कल्याण ही होता है, और उनको कोई अन्यथा हो ऐसा संभव नहीं है, कल्याण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता इस धारा से। और इसलिए इस संसार का जो लंबा पथ है, लॉन्ग ड्राइव है संसार की, अनेक रूपों की, अनेक स्वरूपों की, अनेक तथ्यों की, जो भी बटो ही जो उसमें चलने वाला इस यात्रा में है, इनका भगवान के स्वरूप का निरंतर गान श्रवण मनन करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो उसके इधर उधर जाने से, भटकने से मिलती है उसको, वह भी भगवान का स्मरण करने से दूर हो जाती है। और फिर अंत में इस कड़ी में भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार की कुछ थोड़ी सी कथा है, उसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भी मनुष्य जिस पल भी भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं का या जितनी लीला संभव हो सके उनका चिंतन करे, मनन करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, आराधना करे, उसी की केवल भक्ति करने के मात्र से ही, उसी बात से ही उस भगवान के परम स्वरूप की भी उसको प्राप्ति होती है, और परम धाम में भी वह पहुंचते हैं भगवान के आशीर्वाद से। हालांकि काल की गति, समय की गति को आंक पाना या उसको पकड़ पाना बहुत ही कठिन कार्य, दुष्कर कार्य है, मुश्किल कार्य है, फिर भी भगवान के धाम में, यह बात सही है, काल की भी दाल नहीं गलती, अर्थात जो यम भी हैं, यमदूत भी हैं, भगवान के पास नहीं फटकते, इसलिए भगवान की शरणागति होना, भगवान का स्तुति करना, मान करना, उसी में रम जाना गोपियों की तरह, इससे अधिक उद्धार की बात और कुछ नहीं हो सकती। जहाँ काल के गाल अर्थात यम और यमदूत भी नहीं पहुंच सकते, वहां भी हम जब नहीं पहुंच सकते तो भगवान के स्तुति करने से, उनका सानिध्य पाने के बाद फिर और किस चीज का भय है, कोई डर कोई भय नहीं रह सकता। और उस परम धाम की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राटों ने भी राजपाट छोड़ दिया, तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल में विचरण कर, क्योंकि उसी तपस्या करने से ही किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मनुष्य को भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, करते रहना ही चाहिए, और उनको श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा, लिखित ज्ञान के द्वारा उसको फैलाते रहना चाहिए।
इति दसमम अध्याय दसमम स्कंद श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। मित्रों आज कुछ स्पीड भी तेज हो गई, फास्ट ट्रैक भी चल गया और यह दसम स्कंद को आज हम प्रणाम करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में ही सही, थोड़ा फास्ट ही सही, तो इसको आज की कथा का गान हमने समाप्त किया। कल को हम एकादश स्कंद की 11वें स्कंद की गाथा करेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। अब मनोज जी कुछ बात करना चाहते हैं तो उनको समर्पित, फिर अदर थोड़ा समय भी अधिक हो गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी। जैसा कि मैं रोज लिखता भी हूं और सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि सभी अपना परिचय लिख दें, अपना फोन नंबर लिख दें, एड्रेस लिख दें, क्योंकि आपके इस फोन नंबर एड्रेस और नाम के जरिए से आपको आदरणीय सुशील अग्रवाल जी द्वारा लिखित भागवत परिचय पहुंचाई जाएगी और साथ ही हमारे साथ जो आप इतने दिनों से कृष्णा के विचारों के साथ जुड़े हुए हैं उसका भी एक प्रमाण पत्र कि आप सभी हमारे साथ हैं वो आपके साथ आपको दिया जाएगा। तो आप अपना फोन नंबर एड्रेस लिख दें ताकि वो लिस्ट हमारी पूरी हो जाए और इस सप्ताह के अंत तक हमारी ये कथा भी पूर्ण होगी और उसके पश्चात हम आपके पास वो भेजने की तैयारी भी कर देंगे। कुलविंदर भाटिया जी नमस्कार। भैया नमस्कार। मनोज जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा जी। सभी मित्रों का भी धन्यवाद। मैं आनंद में ही अपने आंखें मुंदे सुन रही थी सभी का और बहुत बहुत इस आनंद के लिए इस समय का भी धन्यवाद, क्योंकि अब ये समाप्ति की ओर भी बढ़ रही है तो थोड़ा लगेगा कि ये समय खाली चला जाया करेगा, लेकिन फिर भी जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसके लिए हम ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस समय का धन्यवाद करते हैं, जूम सेशन का धन्यवाद करते हैं जिसके माध्यम से हम सब जुड़े हैं और भागवत कथा का श्रवण कर पाए हैं। तो जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं जिस जिस का भी परिचय दे दिया गया है वो ना दें, बाकी जितने लोगों ने परिचय नहीं दिया है कृपया वो लिख दें ताकि हमारी तरफ से किया गया ये जो प्रयास है वो सफलता की ओर आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवरात्रि की शुरुआत भी है तो सभी को नव दुर्गा की बहुत बहुत उस चेतना का भी शुक्रिया और सभी की ब्लेसिंग है। नवदुर्गा की सब पे ब्लेसिंग बनी रहे और खुशियों का आगमन हो सबके घर में। धन्यवाद। अनीता विजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण जी। इन बॉक्स में आप नंबर लिख दें प्लीज। निश्चल विज जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर, क्या हाल चाल है सर? बस बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है। आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, प्रभु जब समय देता है तो अपने आप जुड़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर जी। साधना अग्रवाल जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगता है रोजाना सुबह भागवत सुनने को मिलती है। पंत जी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का अरेंज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकांत
मिश्रा जी, जय श्री कृष्णा जी, आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। मनोज जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। एज यूजुअल मैं अभी सनराइज देख के आ रहा हूँ, इसके वजह से मैं लेट ज्वाइन करता हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ हमेशा, लेकिन हमेशा जुड़ना चाहता हूँ आपके साथ में जी। ये मेरा देखिए, मैं यही मेरा ये रोज का काम है, मैं सन के फोटोग्राफ्स लेता हूँ, उसको मॉनिटर करता हूँ, उसका एक डेटा बैंक बना रहा हूँ, एक साइंटिफिक रिसर्च है। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धर्मेंद्र नारायण शास्त्री जी, दो शब्द आप भी कहें, आज माँ दुर्गा का भी दिन है तो हमारे साथ सभी माताएं भी जुड़ी हैं। लता चौधरी जी, जय श्री कृष्णा, मनोज जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी जी। जय माता की, आपके प्रयास से सब लोग श्रवण कर पा रहे हैं भागवत का। जी, आज का जो घट स्थापना का समय है, हाँ, पंचांग मुहूर्त का ही, हाँ हाँ जी, मेन जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त ही है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के सभी चरणों को हम इसमें स्थापित नहीं करते ना, तो इस वजह से जी जी, तो सबसे बेस्ट है कि हम अभिजीत मुहूर्त के समय ही घट स्थापना करें, ये हम सबके लिए सुखमय होगा जी। नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा विभा जी। नारायण नारायण, नमस्ते जी। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छे से हम लोगों को ललित जी ने बहुत बढ़िया सी भागवत सुनाई है, इसका रसपान इतना बढ़िया हुआ है कि और चाहेंगे सभी कि और हो। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, हरि की इच्छा है तो हम सब जुड़े रहेंगे। जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब परमात्मा ने हम सबको जोड़ा है तो आगे भी हम जुड़े रहेंगे कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम के साथ। जरूर 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 जरूर, और आप सभी, इसके अलावा हमारी संस्था ज्योतिष के विभिन्न विषयों की शिक्षा भी देती है। मैं आपको एक बोलना चाहूंगी कि थोड़ा ज्योतिषी के बारे में भी नॉलेज अगर दे सबको तो सबको अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हमारे ज्योतिष का अगर ज्ञान होगा तो आप अपने स्वयं के लिए ही नहीं, जो आपके अपने हैं उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सकेंगे, क्योंकि आज का समय जो है उसमें इस तरह की स्थिति बनती है कि ना चाहते हुए भी आदमी परेशान होता है। तो यदि आप स्वयं ही ज्योतिष के विषय में जानकारी रखें, चाहे थोड़ी रखें लेकिन अपने लायक तो कम से कम बने, सजग तो हो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर 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 मनोज जी, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। आज के युग में जी, जय 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 माता दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी का खास तौर पर जो अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक भी वितरित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी अपना एड्रेस और नाम फोन नंबर जरूर लिख के भेज दें जी जी। हाँ जी विभा जी, आप कुछ कह रहे थे।
दीप्ति जी, जय श्री कृष्णा। सुरेश शर्मा जी, जय श्री कृष्णा। आपका माइक बंद है सुरेश जी, आपका माइक बंद है, माइक ऑन करें। जय माता दी, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। बहुत अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं सर आप, बहुत अच्छे मार्ग पे ले जा रहे हैं हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, ये सब प्रभु के अपने आशीर्वाद से है, हम तो समझ के आवे निमित्त मात्र हैं। नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, आज की सभा को फिर यहीं विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जय श्री कृष्णा जी सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। जो इस संडे को हमारी घड़ी से सवाल जवाब की एक वर्कशॉप होने जा रही है, यदि आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो ये 2 दिवसीय आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मनोज जी। सबके पास मैंने पर्सनल में भी लिखा था कि आप सभी एड्रेस लिखें, लेकिन लगता है किसी ने भी मैसेज के तरफ ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। मनोज जी मेरा एड्रेस और ये सब डाल दिया था कल परसों। हाँ, वो तो आपने इनबॉक्स में डाल दिया होगा ना। हाँ, मैंने कल परसों। हाँ, कल आप ग्रुप में है ना, ग्रुप में लिख दिया होगा आपने। हाँ हाँ, कल परसों डाल दिया था मैंने इनबॉक्स में, तो आपको मिल गया होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ग्रुप में आपने लिख दिया होगा ना, जो हमारा डिवाइन पीस सोल जर्नी है वहां आपने लिख दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जय श्री कृष्णा। समाप्त करते हैं आज की सभा को यहीं।